राजधानी देहरादून में आज गांधी पार्क में इकट्ठा होकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धरना दिया। कांग्रेस की मुख्य मांग नगर निगम की सीमा विस्तार को लेकर किसानों का ऋण माफी व प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगार युवक के साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार ने हर तरह से जनता को परेशान करने के सिवाय कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, वह जनता को शस्त्र होने से बचाएगी। क्राइम स्टडी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। नगर निकायों का सीमा विस्तार करने का काम किया है, इसके विरोध में पूरे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत की जनप्रतिनिधि और त्रिस्तरीय पंचायत की आम जन जो है आंदोलनरत है, और कांग्रेस भी सरकार से इस बात की मांग कर रही है कि जो सीमा विस्तार आप कर रहे हैं उसको जो है मनमाने तरीके से करने का काम सरकार ना करे। जो क्षेत्र नगर निकाय में सम्मिलित होना चाहता है उसको नगर निकाय में सम्मिलित करने का काम सरकार करे, लेकिन जो क्षेत्र नगर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होना चाहता है उस क्षेत्र को जबरदस्ती हर धर्मिता पर जो है सरकार सम्मिलित करने का काम कर रही है, तो हम उसका मुखर विरोध करते हैं। और आपने कहा कि सरकार जो है मान नहीं रही है, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूँ कि जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में जनता जो है निश्चित रूप से जो सरकार को आईना दिखाने का काम है।